इसकी लकड़ी की कीमत 25,000 रुपये प्रति किलो होती है। नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल किसान बद्दीगा में स्वागत करते हैं। किसान साथियों, आज हम बागवानी फसल की इस दूसरी वीडियो की ओर बढ़ रहे हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पर दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं, साथ ही साथ आई बटन पर भी जाकर आप देख सकते हैं। किसान साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चंदन की खेती के बारे में, पूरी विस्तार में चर्चा, हर छोटी से छोटी बात पर हम पूरा प्रकाश डालेंगे। बस आप एक काम करें कि वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको जानकारी पूरी विस्तार में प्राप्त हो सके। चंदन एक सामान्य वृक्ष की तरह लंबी पत्तियां लटकती हुई शाखाओं की तरह होता है। यह अपना भोजन होस्टेरिया के सहारे ही बनाता है। इसका मूल रूप भारत में ही माना गया है, परंतु इसके अलावा यह ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि देशों में भी पाया जाता है। किसान साथियों, पहला सवाल सबके मन में आता है कि इसकी खेती के लिए क्या कोई लाइसेंस की आवश्यकता होती है? तो आपको बता दें कि इसकी खेती के लिए किसी भी प्रकार की लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं होती, बशर्ते एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप इसकी कटाई कर रहे हों तो बेचने के लिए आप इसे सबसे पहले अपने नज़दीकी जिला से वन विभाग को सूचित कर दें, लिखित रूप में सूचित करें और उसकी फोटोकॉपी जरूर अपने पास रखें। दूसरा सवाल कि आप इसकी खेती किन किन राज्यों में कर सकते हैं? इसकी खेती आप लगभग सभी राज्य में कर सकते हैं, बस उन स्थानों में ना करें जहां अधिक ठंड होती है। बात करें इसके तापमान की तो यह लगभग 5 से 50 डिग्री के मध्य उग जाता है। बात करें जलवायु की तो इसकी खेती के लिए पानी और धूप की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। बात करें इसकी कितनी किस्में आती हैं? चंदन की मुख्यतः दो किस्में आती हैं, पहली सफेद चंदन, दूसरा लाल चंदन। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि अगली वीडियो पर हम चर्चा करेंगे कि इन दोनों किस्मों से आप किस किस्म का चुनाव करें ताकि ज़्यादा महंगी बिक सके। बात करें पौधा लगाने का सही तरीका क्या है, तो पौधा लगाने के लिए सबसे पहले आप 2 फीट चौड़ा और लगभग 2 फीट गहरा गड्ढा खोद लें। गड्ढे को 2 से 4 दिन खुला छोड़ दें। यदि आपके क्षेत्र में दीमक की समस्या होती है तो दीमक की दवा उस पर जरूर डाल दें। इसके बाद 2 से 4 दिन बाद गड्ढे को वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद मिट्टी में मिलाकर उसको अच्छी तरीके से ढक दें। इसके बाद उसमें पौधा रोपण कर दें। अब पौधा रोपण के लिए लाइन से लाइन की दूरी लगभग 15 फीट रखें। इसके साथ ही पौधा से पौधे की दूरी लगभग 12 फीट। चंदन का जो पौधा होता है वो होस्टेरिया प्लांट होता है। अब होस्टेरिया प्लांट क्या होता है तो बता दें आपको, होस्टेरिया प्लांट वो पौधे होते हैं जो अपना भोजन किसी दूसरे पौधे के सहारे बनाते हैं। इसके लिए आप 2 चंदन के पौधों के बीच 1 होस्टेरिया प्लांट लगा सकते हैं। आइए देखते हैं पौधा रोपण कैसे करेंगे। अब बात करेंगे वीडियो के अंत में हम कि सबसे अच्छे होस्टेरिया प्लांट कौन कौन से होते हैं और भी इसके बारे में कुछ विस्तार में जानकारी देंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। हम चर्चा करेंगे कुछ विशेष सावधानियों के बारे में, जहां पर पहली सावधानी है कि आप इसकी कटाई छटाई 3 साल से पहले ना करें। 3 साल के बाद आप इसकी छटाई कटाई कर सकते हैं। यदि पौधे के किसी एक ही स्थान से 2 शाखाएँ का फुटाव हो रहा हो तो उनमें से आप किसी एक शाखा को काट दें। काटने के बाद आप उसमें किसी फंगीसाइड दवा का प्रयोग कर सकते हैं। फंगीसाइड के लिए आप बोडो पेस्ट के साथ M45 को मिलाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। बीच बीच में इसकी उर्वरा शक्ति के लिए आप इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद, नीम, खली या किसी भी जैविक उर्वरक का प्रयोग करते रहें ताकि जमीन में उर्वरा शक्ति बनी रहे और पौधे की ग्रोथ अच्छी तरीके से हो सके। पौधे को 3 साल तक आप विशेष ध्यान दें। बात करते हैं इसके कुछ रोग नियंत्रण के बारे में। पहले वर्ष विशेष प्रकार की देखभाल जरूर करें क्योंकि इसमें फंगल इन्फेक्शन होने का बहुत खतरा होता है, तो बीच बीच में आप फंगीसाइड दवाओं का स्प्रे करते रहें। बात करते हैं इसकी कटाई के लिए। जो चंदन का पौधा होता है लगभग 12 से 15 वर्ष में पककर तैयार हो जाता है। अब बात करते हैं इसके हार्डवुड टेस्टिंग की, क्योंकि जो सबसे कीमती होता है वो पौधे का हार्डवुड पार्ट ही होता है, जिसकी कीमत लगभग 12 से 25,000 के बीच तक होती है। इसकी टेस्टिंग के लिए आप अपने नज़दीकी वन विभाग के अधिकारियों द्वारा संपर्क कर सकते हैं, वो आपको सही तरीके से इसकी जानकारी और अच्छे से प्रदान कर सकते हैं। हार्डवुड टेस्टिंग के लिए किसी भी प्रकार की ड्रिल मशीन का प्रयोग कतई ना करें। इसके लिए एक विशेष तकनीकी होती है जिससे आपको ये पौधे से एक लकड़ी की भांति निकाल देगा, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उससे आसानी से इसकी जांच हो जाती है। बात करते हैं चंदन की लकड़ी की कीमत क्या है, तो आपको बता दें जो इसकी हार्डवुड की कीमत होती है वो लगभग 12 से 25,000 के आसपास होती है। आइए जानते हैं इसके कुछ विशेष बिंदुओं की ओर। प्रति पौधे से लगभग 12 से 20 किलो हार्डवुड प्राप्त होता है, जिसकी कीमत लगभग 12 से 25,000 के आसपास होती है।
प्रति पौधे से लगभग 20 से 40 किलोग्राम सेफ फूड प्राप्त होती है, जिसकी कीमत लगभग 600 से 800 रुपए प्रति केजी के आसपास होती है। पौधे के बचे हुए बाकी हिस्से जैसे टहनियां और अन्य भाग, उनकी कीमत होती है लगभग 50 रुपए किलो और प्रति पौधे से लगभग 30 से 60 किलो गोभी प्राप्त होते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इसके पौधे वहां ना लगाएं जहां जल भराव की स्थिति हो। इसके पौधे से 3 वर्ष बाद बीज आना शुरू हो जाते हैं। वर्ष में 2 बार बीज आते हैं, पहला मार्च से अप्रैल के मध्य, दूसरा सितंबर से दिसंबर के मध्य। बात करते हैं होस्ट प्लांट के बारे में, तो आप चंदन की 2 पौधों के बीच में एक होस्ट प्लांट का प्रयोग करें। अब होस्ट प्लांट कौन सा बेहतर होगा, तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि होस्ट प्लांट के रूप में आप किन किन पौधों को लगा सकते हैं। तो होस्ट प्लांट के रूप में आप नीम, अमलतास, कैजुरीना, सीताफल, अमरूद, पपीता, अरहर आदि पौधों को लगा सकते हैं। और एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि आप चंदन की बिल्कुल करीब जोड़कर उसमें तुलसी के पौधे जरूर लगा दें, लगभग 2 तुलसी के पौधे प्रति पौधे लगाएं। तुलसी का पौधा होस्ट प्लांट के रूप में काफ़ी अच्छा होता है। पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल किसान बदलिका को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर लाते रहते हैं हम सबसे पहले नई किस्मों की व सर्वाधिक उत्पादन देने वाली किस्मों की जानकारी।